हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सोन पत्ते की भाजी की सब्ज़ी। ये देखिए, उनका पेड़ इस टाइप से होता है और इसका ये जो कोमल पत्तियाँ है फ्रेंड, इसी को हम सब्ज़ी बनाने में यूज़ करेंगे। और ये हार्ड पत्ती जो है वो सब्ज़ी बनाने से क्या पकता नहीं है। तो इस टाइप से कोमल कोमल पत्तियों का आप तोड़ लीजिए। ये सोन पत्ती का पेड़ देखिए इस टाइप से दिखता है, इसे कचनार भी बोलते हैं फ्रेंड। कचनार जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, ये थायराइड में या फिर ट्यूमर या गांठ वाठ वगैरह है कहीं पर भी, तो ये उसे ठीक करने में उपयोग हो जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसका उपयोग हम मतलब इसका हम पेड़ का फल फूल पत्ती और इसका जो छाल है ये सभी उपयोग में होता है फ्रेंड, और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है, तो आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे कचनार का। ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड खाने में, और ये फ़ायदेमंद भी होता है फ्रेंड, और बनाना भी बहुत ईजी है। अगर आप चाहो तो टमाटर में बना सकते हो, और नहीं तो आप खट्टा डाल के बना सकते हो, चाहे तो दही या फिर छाछ या आम इमली कोई भी खट्टा आप डाल सकते हो, और नहीं है तो ओनली टमाटर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे आज हम बनाएंगे सब्ज़ी, और इसका फ़ायदे तो आप जान ही लिए फ्रेंड, बहुत फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे ये कमेंट यह रेसिपी कैसे लगा कमेंट बॉक्स पर कीजिए। चलिए फ्रेंड, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये मैंने लिया है, ये मसूर की दाल है, इसके जगह आप चना दाल या फिर तिवरा दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। और ये दो प्याज है जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में कटिंग किया है, और 8-10 लहसुन की कलियां हैं, और 4-5 लाल मिर्च तड़का के लिए। और ये है हमारा कचनार का भाजी, जिसे हम सोन भाजी या कोई नार भाजी भी बोलते हैं। ये देखिए, ये है कचनार का भाजी। ये इसे मैं आज टमाटर बनाने बता रही हूँ फ्रेंड, ऐसे खट्टे में बनाते हैं। आज मैं टमाटर में कैसे बनाना ये बता रही हूँ। तो यह है कचनार की भाजी, और ये है 4 बड़े टमाटर जिसे मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। और मसालों में मैंने लिया है नमक और हल्दी, और बनाने के लिए तेल। बस फिर इतना ही चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें इसे बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक कुकर में मसूर की जो दाल है उसे धो के डाल देते हैं। मसूर की दाल को देखिए पहले पानी डाल के धो लीजिए। इस मसूर की दाल को पहले नहीं भिगाना है, क्योंकि मसूर की दाल जल्दी पक जाता है, तो हम अभी इसे धो के और डालेंगे तुरंत। ये देखिए, इस दाल को मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे में हम अपना ये टमाटर प्याज बस मिर्च और लहसुन को छोड़ के सभी सामग्री को इसमें डाल देते हैं। ये भाजी है, अगर ये पत्ता थोड़ा बड़ा है तो इसे आप थोड़ा तोड़ लीजिए। अब ये भाजी को इसमें धो के मैंने इसे नमक पानी से मैंने इसे धोया था, अब इसे हम इसमें डाल देते हैं पकने के लिए। अगर आप खट्टे में बना रहे हो तो दही या मही को भी इसी में डाल सकते हो, और नहीं तो इसमें बस नमक और हल्दी डाल के इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। और जब ये 2 सीटी पका लेंगे, 2 या 3 सीटी, 2 या 3 सीटी के बाद इसे हम कुकर ठंडा होने पे तड़का लगाएंगे, और इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसे हम 2 या 3 सीटी लगने तक पकाते हैं। देखिए हमारा 3 सीटी मैंने इसे पका लिया है, और इसे ऐसे दबा के देखने से देखिए पक चुका है। अगर नहीं पका है तो आप 1 सीटी और लगा सकते हैं। अब इसे हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के गर्म कर रही हूँ। मैं सरसों तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं वो कर सकते हो। तेल गर्म होने पर ये जो मिर्ची मैंने लिया था इसे तोड़ लिया है, और लहसुन को कूट लिया है। भाजी में लहसुन को अगर कूट के डालोगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड, लहसुन का फ्लेवर भाजी में अच्छे से लग जाता है। और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे बारीक कटिंग करके डाल सकते हो। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें आप लहसुन को डाल दीजिए। अब 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम लाल मिर्च को डाल देते हैं, और थोड़ी देर से ढक दीजिए जिससे खुशबू इसी में रहे। देखिए तो थोड़ा देर भून लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक, उसके बाद हम इसमें अपना भाजी जो कुकर में हमने पका के रखा है उसे डाल देंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें अपना भाजी
इसे डाल देते हैं। तो थोड़ी देर पहले ढक दीजिए, देखिए एक मिनट पर हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मिक्स कर दिया, अभी थोड़ी देर पकने देते हैं। अगर आप खट्टा पसंद करते हो तो इसके ऊपर भी आप दही नहीं कुछ भी खट्टा आप डाल सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे ही खा सकते हो। अगर आपका भाजी नरम है तो आप एक सीटी ही पकाइए, और अगर आपका भाजी थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको तो दो तीन सीटी करिए। और प्याज को अगर आप उस टाइम में नहीं डालना चाहे तो लहसुन प्याज के साथ, लहसुन मिर्च के साथ भी आप भून सकते हैं, फिर भी अच्छा बनता है। फ्रेंड ये शॉर्टकट मेथड के लिए मैं आपको एक साथ करके तड़का लगाने के लिए बताई हूँ, ये शॉर्टकट मेथड है। ये देखिए हमारा भाजी अब बन के तैयार है। आप इसे अब गर्मा गर्म किसी भी रोटी चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही टेस्टी और यमी होता है फ्रेंड। और उसके साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत हैं, तो आप ज़रूर इसे बनाकर एंजॉय कीजिए। अब मैं आपसे अगले रेसिपी मिलती हूँ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।